आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो कि गांव में रोजगार से संबंधित है। जी हां, नौकरी से संबंधित है और इसमें विभिन्न प्रकार की नौकरियां गांव के महिला पुरुष सभी के लिए निकली हुई हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगी। तो फिलहाल तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियोस आपको पहले से पहले देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। ये योजना जो है वो जल से संबंधित है और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि जो सरकार है, यूपी सरकार है, और भी राज्यों में योजना चल रही है। मैं यूपी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो साथ में यूपी के साथ में अन्य राज्यों में भी है, ये मैं ज़रूर बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार का मकसद है कि हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोज़गार देने की तैयारी है। तो जानिए क्या है प्लान। जी हाँ, यूपी के हर घर में अब नल के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाने वाली है। 2022 इसका लक्ष्य रखा गया था। चूँकि 2022 इस समय अब शुरू भी हो गया है और चुनाव का माहौल भी है और सरकार ने ये लक्ष्य रखा था, तो इस लक्ष्य को पूरा करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो जान लेते हैं आज के वीडियो में कि क्या ये पूरी जानकारी है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 2022 तक यूपी के हर घर में होगी हर घर नल योजना, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत ये योजना शुरू होने वाली है, हर घर नल योजना। आने वाले 2 सालों में यानी कि 2022, ये थोड़ा पहले की जो है जानकारी है जो मुझे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बतानी थी। 2022 तक के ये पूरी की जाने की योजना थी और 2022 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और जैसा कि आजकल चुनावी माहौल चल रहा है सभी लोग जानते हैं, तो हमें यहाँ पर आपको ये बताना था कि इस योजना में जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन योजना है जिसके अंतर्गत राज्य जो हैं वो हर घर नल योजना जो है वो क्रियान्वित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत अब लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार जो है गांवों में जल के साथ जीविका भी पहुँचाने की कोशिश में लगी है। देखिए, जब पानी की आपूर्ति घर घर होगी तो उसका लेखा जोखा रखना, उसका जो टैक्स लगना है और उसको जितनी भी मतलब जल की आपूर्ति में जिम्मेदारियाँ निभानी है, तो उसमें कई लोगों की आवश्यकता भी तो पड़ेगी, तो रोज़गार के अवसर तो मिलने ही वाले हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर रोज़गार के अवसर आने वाले हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोजगार एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए प्रदेश भर में 30,000 से ज़्यादा संविदा सहायक भर्ती किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये जो भर्ती आएगी जल निगम में ग्रामीण इलाके में, तो ये संविदा पर होगी। यही नहीं, मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनियाँ हर जिले में 400 से 500 स्थानीय युवाओं की भर्ती करेंगी। इस योजना से युवाओं को अपने गाँव और कस्बे में ही फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार की नौकरी है, सबसे पहले फिटर की, प्लम्बर की, मैकेनिक की और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी होगी। अब बुंदेलघर से जो बुंदेलखंड है वहाँ से योजना शुरू हुई है, 7 जिलों में ही 2500 से ज़्यादा लोगों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों पर सरकार रोजगार देने जा रही है। तो यहाँ से बुंदेलखंड से योजना शुरू हुई है, पूरे यूपी में योजना चलेगी और हर गाँव में हर घर में नल पहुँचाने की योजना है, जिसको हम लोग टंकी बोलते हैं। जैसे कि शहरों में होती हैं उसी प्रकार से गाँव में भी होंगी और जिन गाँव में अभी ये नहीं बन पाई हैं वहाँ बनने की पूरी व्यवस्था की जानी है। और जब वहाँ बन जाएगी तो वहाँ भी ये सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे और जहाँ बनी हुई हैं तो वहाँ तो ये रोजगार के अवसर उपलब्ध हो ही रहे हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां अभी भी टंकी नहीं बनी है, तो शीघ्र बनने वाली हैं। यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो केंद्र सरकार के सहयोग वाली हर घर नल योजना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव और पेयजल आपूर्ति संचालन के लिए फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक, सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे। तो राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हर 4 से 5 किलोमीटर पर ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जाएंगे, जिससे आसपास के गांव में जलापूर्ति की जाएगी।
अच्छा फिटर, प्लम्बर, मैकेनिक और सिक्योरिटी गार्ड जो नौकरियां हैं, फिटर है, जैसे कि मान लो जब जो है टंकी बनेगी, वाटर जो पानी है ऊपर टंकी में भरने के लिए बिजली की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे तार वार जो है लगवाए जाएंगे। प्लम्बर है जैसे कि टंकी टोटी पाइप फिट करवाए जाएंगे, है ना। मैकेनिक हर चीज़ की मतलब वहाँ पे जो है आवश्यकता होगी, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी होगी, ऑफिशियल वर्क के लिए भी जो है अधिकारी चाहिए होंगे। साथ में जो घर घर जाके टंकी लगेंगी, उससे जो लोग पानी का यूज़ करेंगे उसका कुछ टैक्स भी तो मंथली लिया जाएगा, तो वो जो कर होगा, टैक्स होगा, उसकी वसूली भी की जाएगी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ जो है रोज़गार के अवसर अलग अलग पदों पर मिलने वाले हैं। तो गाँव के लोगों को यहाँ पर जल जो हर घर नल योजना है, इसके अंतर्गत बहुत सारे अवसर रोज़गार के मिलने वाले हैं। आप लोग जागरूक हो जाइए, और जैसे ही आपके गांव में इस प्रकार की भर्ती या योजना शुरू होती है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और ये बिल्कुल निश्चित है कि इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक जानकारी मिली थी जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी, कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं, वो जो पानी का टैक्स है, कर वसूली का कार्य उनको दिया जाएगा, और उसका उन्हें मानदेय भी मिलेगा। अब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनको जल सखी कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा, लेकिन हाँ उनको ये काम मिलने वाला है। जलापूर्ति की ज़्यादातर व्यवस्था सेंसर आधारित ऑटो मोड होगी, लेकिन सप्लाई सिस्टम की देखभाल और मरम्मत में रोज़गार मिलेगा। 10 वर्षों तक जलापूर्ति व्यवस्था और ट्रीटमेंट प्लांट के देखभाल की जिम्मेदारी निर्माण कार्य करने वाली कंपनियों के हाथ होगी। राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक कंपनियां स्थानीय लोगों को भर्ती कर इसका संचालन करेंगी। और इसके पहले मैंने एक जल जीवन मिशन की एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं भी बताऊँगी इसी वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया था कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसमें रखा जाएगा, और वो जो है कर वसूली करेंगी, टैक्स का वसूली करेंगी। जैसे आप बिजली का बिल जमा करते हैं, ऐसे पानी जब यूज़ करेंगे तो उसका भी बिल देंगे, टैक्स देंगे, तो वो जो है समूह की महिलाओं को उसमें रोज़गार नौकरी मिलेगी और इसका मानदेय भी होगा। अब इसको जल सखी कहा जाएगा, क्योंकि समूह में जो भी महिलाएं नौकरी पाती हैं, सखी शब्द जुड़ जाता है उनमें, तो जल सखी हो सकता है उनका नाम आगे हो जाए, ऐसा मैं अभी नहीं बता सकती, जल सखी कहा जा सकता है उनको। फिलहाल तो इसमें रोज़गार मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 से 500 लोग तो इसमें रोज़गार पा ही जाएंगे, ठीक है। तो प्रदेश भर में 30,000 से ज़्यादा इसके माध्यम से रोज़गार सृजित होने वाले हैं, 30,000 से ज़्यादा, ठीक है। पूरे यूपी में योजना चल रही है, और हर गांव में इसके माध्यम से रोज़गार के साधन मिलने वाले हैं। तो आप तो जल जीवन मिशन जो जल शक्ति अभियान है, इसके अंतर्गत जो है जो भी जानकारी थी मैंने अपनी इस वीडियो में बताई थी, कि गांव में बनाई जा रही जल समिति जल जीवन मिशन से गांव में मिलेगा रोज़गार, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से मैं बता ही चुकी थी। लेकिन जो जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन अभियान जो भी है, ये केंद्र सरकार की योजना है, और इसके अंतर्गत राज्य में हर घर नल योजना चलाई जा रही है। को अगर इस वीडियो के माध्यम से तनिक भी जो है जानकारी और लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।